वेलकम फ्रेंड्स टू आराध्या आरएएस एकेडमी। फ्रेंड्स, राजस्थान करंट अफेयर टेस्ट नंबर 2, राजस्थान पुलिस एसआई सेकंड ग्रेड और पटवार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो टेस्ट को दें और अपने नंबर ज़रूर कमेंट में बताएं। टोटल 20 प्रश्न है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। पहला प्रश्न है, राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त के लिए कितने वर्ष का अकादमिक अनुभव आवश्यक होगा? यानी कि विश्वविद्यालय है संस्कृत विश्वविद्यालय, तो इसके कुलपति पद पर नियुक्त होने के लिए कितने वर्षों का अकादमिक अनुभव आवश्यक होगा? तो देखो, चार ऑप्शन है, 7, 8, 10, 11, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। देखो, राज्यसभा विधानसभा के अंदर 6 सितंबर 2018 को श्री जगत गुरु रामानंदचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, इसमें एक विधेय पारित हुआ था 2018 में, उसको दौनी मत से पारित किया गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 11 के अंदर जो संशोधन किया गया है, और इसमें कुलपति के जो प्रोफेसर पद के लिए 10 वर्ष का अनुभव का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखो, होमगार्ड चयन समिति का गठन राज्य सरकार के स्तर पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, मतलब होमगार्ड का चयन करने का गठन है राज्य सरकार के स्तर पर करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा जोधपुर का नाम जाम्बोजी के नाम पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल के नर्सिंग अधीक्षक का एक ही पद करने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों देखो, चार ऑप्शन आपके पास में, तो कौन सा सही है ये बताना है। तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, ये दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो, राज्य मंत्रिमंडल की 18 जुलाई 2018 की बैठक में राजस्थान ऋण माफी योजना 2018 के लिए किस संस्थान से 5000 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने का निर्णय किया गया? तो किससे 5000 करोड़ का जो ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने गारंटी देने का निर्णय किया है? तो देखो, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली। जो संसदीय मंत्री है, जो कार्य मंत्री है, वो राजेंद्र राठौड़ ने जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कृषक ऋण माफी योजना के तहत जुलाई 2018 तक सहकारी संस्थाओं ने 5,077 करोड़ के कृषि ऋण माफ कर 16.56 लाख कृषकों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत जो 29.21 लाख किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश भर में की गई अप्रूव्ड सोलर पार्कों की सूची में राजस्थान के कितने सोलर पार्कों को स्थान मिला है? तो कितनों को मिला है? तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 है उनको सोलर पार्कों में स्थान मिला है। अब देखो, इसके बाद प्रश्न है, राजस्थान के किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था ने प्रदेश में वैकल्पिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया है, तो कौन सी संस्था ने किया है ये सब? तो देखो, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे दिलीप रथ।
दिलीप रथ इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके साथ ही दूध उत्पादकों को जो प्रोत्साहन दिया जाएगा उनकी किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया जाएगा, और साथ ही मधुमक्खी पालन, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए गोबर गैस संयंत्र लगाने सहित अनेक गतिविधियां चलाई जाएंगी, और इसके लिए राज्य सरकार से अनुबंध किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो कूट वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आकलन के पश्चात नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के मल्टीप्लेक्स मल्टी प्रोडक्ट XEZ का उद्घाटन प्रदेश के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा 14 जून 2018 को किया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में देखो उपयुक्त मल्टी प्रोडक्ट सेज में आगामी 5 वर्षों में 12,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा गलत, 12,000 करोड़ का निवेश इसके अंदर नहीं रखा गया है, इसके अंदर 3,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश रखा गया है। नेक्स्ट है, सिग्मा कंपनी इस सेज में 100 करोड़ रुपये तथा एरो ग्रेनाइट 56 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि कल्याण अभियान के तहत नीति आयोग ने प्रदेश के कौन से 5 जिलों का चयन किया है? तो कौन से 5 जिलों का चयन किया है ये बताना है अपन को। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही। 12 धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही, ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 7 जुलाई 2018 को आयोजित प्रधानमंत्री लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम के अवसर पर लगभग कितनी राशि की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो देखो कितनी परियोजना यानी कि 13 परियोजना का शिलान्यास किया है, तो उनकी राशि बतानी है, तो कितनी राशि होगी उसकी? तो इसकी राशि है टोटल वो हो जाएगी 2100 करोड़। कितनी? 2100 करोड़ की 13 परियोजना का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के नगरीय निकायों को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो कौन सी योजना लागू की जाएगी स्वच्छ भारत मिशन के तहत? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वच्छ शहर योजना। इसके अंदर जो इसकी अवधि रहेगी 3 माह की रहेगी, और कचरे तथा जो आवारा पशु है उनको मुक्त करवाना नगर निकायों को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा दूध योजना का शुभारंभ 2 जुलाई 2018 को कहां से किया? तो ये बताना है कहां से किया है। तो देखो 4 ऑप्शन आपके पास में, तो इसका उत्तर हो जाएगा दहमी कला जयपुर से। अब देखो इसके अंदर जो 1 से 8 बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गुणवत्ता तक जो गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाएगा जा रहा है, और 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को 150 मिलीमीटर दूध, और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श मदरसा योजना के तहत राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत ए श्रेणी के कितने मदरसों का चयन चालू वित्त वर्ष में मॉडल मदरसा के रूप में आधुनिकरण हेतु किया जाना है? देखो कितने जो मॉडल मदरसा के रूप में आधुनिकरण किया जाएगा ए श्रेणी के तहत? तो देखो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 500 मदरसों का आधुनिकरण किया जाना है। किसके तहत? आदर्श मदरसा योजना के तहत।
नेक्स्ट प्रश्न है, हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए व्यय कर किस जिले की जनता को शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। देखो, हरिपुरा जो मांझी पेयजल परियोजना है पर राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए व्यय कर किस जिले की जनता को शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जाएगा, तो किस जिले की, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोटा जिला। क्या हो जाएगा? कोटा। जो इस परियोजना है इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 297.48 करोड़। जो कोटा जिले के अंदर जो काली सिंध नदी पर स्थित हरिपुरा मांझी एनीकट है उस पर ये, उसके पास में 207 गांव हैं और 52 मजरे लाभान्वित होंगे। देखो, इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण पेयजल एवं फ्लोराइड निराकरण परियोजना के द्वितीय चरण के तहत नहरी पेयजल परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 1 मई 2018 को कहाँ किया। तो देखो, नहरी पेयजल परियोजना का जो लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 1 मई 2018 को कहाँ किया, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा जायल नागौर। क्या हो जाएगा? जायल नागौर। देखो, जायल में नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के दो फेज के उद्घाटन से जायल और माता सुख परियोजना से जुड़े 120 गांवों में नहर का मीठा पानी जो पेयजल के लिए उपलब्ध होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा तेल एवं गैस अन्वेषण हेतु 28 अगस्त 2018 को देश में आवंटित 51 तेल क्षेत्रों में से राजस्थान में कितने ब्लॉक आवंटित किए गए, तो कितने ब्लॉक आवंटित किए गए ये बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। कितने? 11। तो देखो, आवंटित किए गए जो टोटल जो 51 किए गए थे, जो तेल ब्लॉक में सर्वाधिक ब्लॉक है 11 ब्लॉक, वो किस में है? बाड़मेर और जैसलमेर में है। देखो, इसकी खोज के लिए जो कंपनियां है करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी कि निवेश करेगी। अब देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बामासा टेक्नो हब का उद्घाटन 23 अगस्त 2018 को कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया जो बामासा टेक्नो हब का उद्घाटन, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ किया गया? जयपुर में, जयपुर के अंदर बामासा टेक्नो हब का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बामासा टेक्नो फंड के रूप में कितनी राशि का फंड बनाया है, तो कितनी राशि का फंड बनाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 करोड़। कितना हो जाएगा? 500 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अब की बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कथन दिया गया है, छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रदेश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला थर्मल पावर प्लांट बन गया है। नेक्स्ट, इसका कारण है, छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट क्षमता की पांचवी इकाई द्वारा 9 अगस्त 2018 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है, तो ये बताना है, तो इनमें से कौन सा सही है, कथन और कारण दोनों सही है या कौन सा गलत है, तो देखो इसका उत्तर है, वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर एक की उचित कारण है, आर एक का उचित कारण है। दोस्तों, ये हो गए जो अपने एक आरएस के अंदर प्रश्न आया था, देखिए सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला प्लांट कौन सा है, तो दोस्तों उसका जो रिट लगी हुई है आरएस के अंदर, तो ये प्रश्न है छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है।
प्रदेश के पशुपालकों के आर्थिक विकास हेतु डेयरी विकास पर कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो डेयरी विकास पर कितनी राशि व्यय की जाएगी, तो देखो इसका उत्तर जाएगा 70.89 करोड़, यानी कि 70.89 करोड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसके तहत जो पाली, गंगानगर, नागौर, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं बाड़मेर में डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है? देखो दोबारा देखो, लखवाड़ बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना का संबंध किस नदी से है, जिसके जल बंटवारे के लिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में 28 अगस्त 2018 को हस्ताक्षर किए? तो कौन सी नदी के ऊपर जल बंटवारे के लिए किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी पर। कौन से? यमुना नदी पर। इसके तहत दो देखो, जो उत्तराखंड में जो देहरादून जिले के लोहारी गांव के निकट यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा, और उस बांध की जो जल संग्रहण क्षमता है वो 330.66 MCM होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने आज के जो टोटल प्रश्न है, सॉरी एक प्रश्न और बाकी है, वो है राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो राज्य के सरकारी जो विद्यालय हैं इसमें बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लिक योजना। क्या हो जाएगा? क्लिक योजना, याद रखना क्लिक योजना। तो दोस्तों ये हो गया आज के अपने 20 टोटल प्रश्न, करंट अफेयर के, राजस्थान के करंट अफेयर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।